एक दिन माता यशोदा मन ही मन सोच रही थी कि सभी औरतें अपने घर का काम करने में व्यस्त हैं, मैं क्यों उन्हें परेशान करूं? ऐसा सोच वह श्री कृष्ण के लिए दूध से मक्खन निकालने बैठ जाती हैं। दूध से मक्खन निकालने के बाद वह उसे मिट्टी के मटके में रखकर छत से लटका देती है और पुनः मक्खन निकालने लगती है। श्री कृष्ण ने माता यशोदा को मक्खन निकालते देखा तो वह उनकी गोद में आकर बैठ गए। भगवान कृष्ण माता को प्यार से सहलाने लगे। अचानक ही माता यशोदा को चूल्हे पर चढ़े दूध का ख्याल आया। उफ़ो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं दूध उबालने के लिए चूल्हे पर छोड़ आई हूँ। वो जरूर उबल गया होगा, मुझे जाकर देख लेना चाहिए। माता यशोदा श्री कृष्ण को गोद से उतार कर रसोई की ओर गई। श्री कृष्ण ने मक्खन से भरी मटकी देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने एक पतली सी छड़ी उठाई और जोर से मारा मटकी पर। छड़ी लगते ही मटकी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और उसमें रखा मक्खन जमीन पर बिखर गया। श्री कृष्ण ने मक्खन को टूटे हुए बर्तन में उठाया और चल दिए घर से बाहर। श्री कृष्ण ने बगीचे में पहुंचकर अपने दोस्तों को बुलाया और सभी मिलकर उस मक्खन को खाने लगे। श्री कृष्ण बंदरों को देखते हैं और हाथ में मटकी लेकर वहां रखी ओखली पर चढ़कर बंदरों को ललचाने लगते हैं। जब माता यशोदा ने रसोई से बाहर आकर फूटी हुई मटकी और फैले हुए मक्खन को देखा तो नाराज होकर कृष्णा कृष्णा पुकारते हुए बाहर आती है। खोजते खोजते जब वह बगीचे में पहुंची तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण को ओखली पर चढ़ा देखा। माता यशोदा ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को ओखली से नीचे उतारा और एक लंबी रस्सी से उन्हें ओखली के साथ बांध दिया। आज पूरे दिन तुम इसी तरह बंधे रहोगे, यही सजा है तुम्हारी। ऐसा कह माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अकेला छोड़ वापस घर में चली गई। कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण ने उस भारी भरकम ओखली से बंधे हुए अपने शरीर को हिलाने का प्रयास किया। थोड़े से प्रयास में ही वे ओखली के साथ बड़े बड़े डग भरने लगे। कुछ ही देर में वे बड़े बड़े डग भरते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे दो अर्जुन के पेड़ थे जो आपस में जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकलने का प्रयास किया लेकिन ओखली दोनों पेड़ों के बीच में फंस गई। भगवान श्री कृष्ण ने जोर लगाकर उन वृक्षों के बीच से निकलना चाहा तो दोनों अर्जुन के पेड़ जड़ से उखड़कर दोनों बगल गिर पड़े। उसी समय उन टूटे हुए वृक्षों से दो यक्ष प्रकट होते हैं और दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आपका धन्यवाद हमें नारद जी के श्राप से मुक्त करने के लिए। मैं नलकुब्र और ये मणिभद्र हैं जो नारद जी के श्राप से पेड़ बन गए थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दोनों यक्ष नारद मुनि के श्राप से मुक्त हो गए। उधर इतने बड़े बड़े वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इतने विशाल वृक्ष कैसे गिर पड़े, यह तो आश्चर्यजनक है। मैं नदी के किनारे खेल रहा था तब मैंने देखा कि इन वृक्षों से दो चमकदार यक्ष निकले थे। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और फिर गायब हो गए। नंद जी कृष्णा की रस्सी खोल देते हैं। इतना होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई थी और उनकी शैतानियां दिन व दिन बढ़ती गई। मथुरा में मथुरा नरेश कंस शांति से नहीं जी पा रहा था। प्रत्येक दिन उसे मौत का डर खाए जा रहा था।
इससे पहले कि भगवान कृष्ण उसे मारे, वह कृष्ण को मार डालना चाहता था। यह सोच उसने वाहासुर को बुलाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनके साथ सभी ग्वाल बाल गायों को चराने यमुना नदी के किनारे आए हुए थे। बकासुर ने एक विशाल बगुले का रूप धारण किया और यमुना के बीचों बीच खड़ा हो गया। सबकी नजर उस पर पड़ी। उस विशालकाय बगुले को देखकर सभी ग्वाल बाल डर गए और पीछे हट गए। तभी बगुला चलकर उन सभी के पास आया। बगुले ने श्री कृष्ण पर अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अपनी मायावी शक्ति का कोई असर न होते देख उसने अपनी लंबी सी चोंच से श्री कृष्ण को उठा लिया। यह देखकर कुछ ग्वाले गांव की तरफ भागे और कुछ वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। परंतु भगवान श्री कृष्ण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने जोर से अपना एक हाथ बगुले की चोंच पर मारा। दर्द के कारण बगुले ने अपना मुंह खोल दिया और श्री कृष्ण उसके मुंह से छूटकर नीचे नदी में गिर पड़े। बगुले ने अपनी लंबी सी चोंच से श्री कृष्ण को उठाना चाहा, लेकिन इस बार अचानक श्री कृष्ण उछलकर उसकी गर्दन पर जा लटके और उसके लंबी और मोटी सी गर्दन को फाड़ देते। दर्द से कराहता बगुला नीचे नदी में जा गिरा। कुछ ही पल में बगुला अपने असली वाकासुर रूप में आकर दम तोड़ देता है। इतनी देर में सभी बेहोश ग्वाले होश में आ चुके थे और भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर खुश हो रहे थे। इस तरह कंस का भेजा हुआ भयंकर मायावी राक्षस वाकासुर भी मारा गया। कि मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे, हमेशा की तरह श्री कृष्ण बलराम और उनके दोस्त गांव के बाहर खेलने गए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर सबको मंत्र मुग्ध कर रहे थे। उसी समय कंस के द्वारा भेजा गया मायावी राक्षस अधासुर कृष्ण को मारने गोकुल पहुंचा। गोकुल पहुंचकर उसने सभी बच्चों को खेलते देखा। उन सभी मासूम बच्चों को देखकर अधासुर सोच में पड़ गया। ये बच्चे मासूम दिखते हैं, लेकिन ये कृष्ण ऐसा नहीं है। यह मासूम नहीं हो सकता। जो मेरी बहन पूतना और भाई बकासुर का हत्यारा है, वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मुझे इसे छल से मारकर अपने भाई और बहन की मौत का बदला लेना चाहिए। अधासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। उसमें इच्छाधारी शक्तियां थी। उसने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उसके मुंह का ऊपरी भाग आसमान को छूने लगा और निचला हिस्सा जंगल के उस रास्ते पर कालीन की तरह बिछ गया, जिस रास्ते भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ रोज जंगल में जाया करते थे। उसका खुला मुंह एक विशाल काय गुफा की तरह दिखने लगा। लौटते हुए श्री कृष्ण बलराम और उनके सारे मित्रगण उस जगह पहुंचे। उन सभी बालकों को यह बड़ा अजीब लगा कि जिस रास्ते वह रोज जाते हैं उधर यह अजीब सी चीज क्या है। किसी ने उसको बड़ी गुफा समझा तो किसी ने उसको बड़ा सर्प, जो कि अपने जबड़ों को खोलकर उन्हें निगलने के लिए बैठा है। जब उन्हें अनुमान लगाते हुए काफी देर हो गई, तब उन सब ने मिलकर हिम्मत जुटाई और उसके अंदर घुसने का निर्णय लिया।
डर के साथ साथ उन्हें खुशी इस बात की थी कि कृष्ण उनके साथ है और कुछ भी होने पर कृष्ण उन्हें हमेशा की तरह बचा लेंगे। श्री कृष्ण को छोड़कर उनके सारे मित्र उस गुफा के अंदर खेलते हुए घुस गए। श्री कृष्ण जो खड़े होकर यह सब देख रहे थे ने सोचा कि उन सभी ने इस खतरे को क्यों नहीं देखा और सर्प के मुंह में वे फिक्र होकर कैसे घुस गए। इधर अधासुर श्री कृष्ण के अंदर घुसने का इंतजार करते हुए यह सोच रहा था कि एक बार कृष्ण भी अंदर आ जाए तो सभी को एक साथ ही निगल जाऊंगा। अधासुर को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उस सांप के मुंह में घुसने लगे। श्री कृष्ण जैसे ही थोड़ा अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। अधासुर जब तक अपना जबड़ा बंद करता तब तक कृष्ण का सिर सर्प की ऊपरी दाढ़ तक पहुंच गया। अधासुर का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और उसके पूरे शरीर में अथाह तकलीफ होने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंखों से खून आ गया और वह तड़प कर मर गया। श्री कृष्ण ने अपने शरीर को तुरंत सामान्य किया और अपने दोस्तों को बाहर आने को कहा। उन ग्वालों को यह भी पता नहीं चला कि श्री कृष्ण ने क्या खेल रचाया था। अधासुर मर चुका था एवं उनके सभी मित्र सुरक्षित थे। मरा हुआ अधासुर एक गुफा में तब्दील हो गया था। एक बार फिर पापी कंस श्री कृष्ण को मारने में असफल रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ सखा ग्वालों के साथ यमुना नदी के किनारे गाय चराने आए हुए थे। थोड़े समय बाद कुछ ग्वालों को प्यास लगी तो वे पानी पीने नदी के तट पर गए और पानी पीना चाहा। तभी एक व्यक्ति ने आकर उन्हें रोका। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, यह पानी मत पियो, यह जहरीला है। लेकिन मुझे प्यास लगी है और सभी पशु भी प्यासे हैं। आजकल कालिया नामक एक जहरीला और विशालकाय सांप अपने परिवार के साथ यहाँ रहने आया है, जिसके कारण यमुना का पानी जहरीला हो गया है। अगर तुम इसे पियोगे तो अवश्य ही मर जाओगे। उस व्यक्ति द्वारा सतर्क करने के बाद भी कुछ ग्वालों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और खुद तो पानी पिया ही पशुओं को भी पिलाया। कुछ ही देर में जिसने भी पानी पिया था सभी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। अपने सखाओं का यह हस्त्र देखकर भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधित होकर यमुना नदी में छलांग लगाई। जो ग्वाले यह देख रहे थे आश्चर्यचकित रह गए। वे लोग जब तक श्री कृष्ण को रोक पाते बहुत देर हो चुकी थी। जब श्री कृष्ण पानी के ऊपर आए तो पानी की सतह पर उथल पुथल होने लगे। अचानक ही पानी की सतह को चीरता हुआ भयंकर बहुमुखी नाग ऊपर आया। यह और कोई नहीं बल्कि कालिया नाग था जो अपने सभी मुखों से आग निकाल रहा था। उसके क्रोध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह श्री कृष्ण को मार डालना चाहता। यह देख सभी ग्वाले गांव की तरफ भागे ताकि लोग आकर कृष्ण को बचा लें। गांव पहुंचकर ग्वालों ने सभी को बताया कि उनके कृष्ण की जान खतरे में है। ऐसा सुनते ही सभी गांव वाले नदी की ओर भागे। इसी बीच कालिया ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पूंछ में पूरी तरह से लपेट लिया था। यह देख सभी ग्वाले घबरा गए लेकिन श्री कृष्ण के मुख पर थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना आकार बड़ा करना शुरू किया जिससे कालिया की पकड़
ढीली होती चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि कालिया अपनी पूंछ में उन्हें लपेटे रख नहीं सका। श्री कृष्ण कालिया के बंधन से मुक्त हो गए, लेकिन कालिया ने फिर श्री कृष्ण पर अपनी फुंकार मारी। भगवान श्री कृष्ण हर बार कालिया के वार को काट देते हैं। अंत में श्री कृष्ण गुस्से में छलांग लगाकर कालिया के सिर पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। वे एक सिर से दूसरे सिर और दूसरे सिर से तीसरे सिर पर उछल उछल कर नृत्य करने लगे। यह आश्चर्यजनक दृश्य देख सभी गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। बार बार सिर पर चोट खाने से कालिया घायल हो गया था और उसके सिर से खून बहने लगा। कालिया के लाख छटपटाने पर भी श्री कृष्ण उसके सिर से उतर नहीं रहे थे। वह समझ गया कि उसका अंत समय निकट आ गया है। लेकिन ऐसा होता इससे पहले कालिया की पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ ऊपर आकर श्री कृष्ण से कालिया के प्राणों की भीख मांगने लगी। हे भगवान, मेरे पति की जान छोड़ दे, ये मेरे परिवार की मुखिया है, हम पर दया करो प्रभु। श्री कृष्ण प्रार्थना सुन कालिया को मारने का विचार बदल देते हैं। उसके बाद वे नदी के किनारे पहुंचकर कालिया को आदेश देते हैं कि यह नदी उस जैसे विशाल प्राणी के लिए नहीं है, इसलिए वह यहां से अपने पूरे परिवार वालों के साथ समुद्र में जाकर निवास करे। कालिया भगवान श्री कृष्ण की बात को मानकर अपने पूरे परिवार के साथ यमुना नदी को छोड़कर समुद्र में चला गया। उसके जाते ही यमुना नदी का पानी फिर से साफ सुथरा और पीने लायक हो गया और जितने ग्वाल और पशु यमुना नदी का पानी पीकर बेहोश हुए थे सभी ठीक हो गए। एक रात मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा था। चांदनी रात से पूरा उजाला हो रखा था। भगवान श्री कृष्ण बलराम कुछ गोपियों के साथ खुले मैदान में अपने बांसुरी के संगीत से सबको मोहित कर रहे थे। सभी श्री कृष्ण के बांसुरी के धुन पर झूम रहे थे। अचानक वहां कंस का भेजा हुआ शंख चूर नामक एक दैत्य भगवान कृष्ण को मारने आ पड़ा। उसे देखकर गोपियों में भगदड़ मच गई। वह दैत्य इतना बड़ा था कि उसका मस्तक मानो आसमान को छू रहा है और उस दैत्य ने कुछ गोपियों को अपने विशाल हाथों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। गोपियां चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कृष्ण, बचाओ 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 कृष्ण, बचाओ बचाओ। गोपियों की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना आकार दैत्य के समान बड़ा कर लिया। तब श्री कृष्ण ने पास के एक विशाल वृक्ष को एक झटके में मारकर दैत्य शंखचूर के सिर पर दे मारा। जैसे ही दैत्य के सिर पर चोट लगी उसके हाथ से गोपियां छूटकर नीचे गिर गई। तब श्री कृष्ण ने एक जोरदार मुक्का दैत्य के गर्दन पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि दैत्य शंखचूर का सर धड़ से अलग हो गया और वह जमीन पर जा गिरा और वहीं मर गया। आज एक बार फिर मथुरा नरेश
कंस की मनसा धरी की धरी रह गई।